अलैकुम। आज खाने में बनेगा पूरी आलू। तो उसके लिए आलू को बॉईल करने रख दिए और इसमें थोड़े से काबुली चना जो होता है वो ऐड किए। अभी इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और पूरी बनाएंगे। अभी इसमें बॉईल आना चालू हो चुका है और ये बनने जा रहे हैं मेंदू वड़े। साथ में इसके मेंदू वड़े भी बनाएंगे। ये दाल और ये चने रात में भिगो के रख दिए थे। ये थोड़ा सा थोड़ी सी दाल पिस चुकी है और बाकी की पिस रही है अभी। और ये जो है चटनी की तैयारी चल रही है। ये हो चुका है बैटर रेडी वड़े का। अभी इसमें कोथमीर ऐड करेंगे। अम्मी ने हरी मिर्ची इसी के अंदर पीस चुके हैं और मिर्ची दो या तीन ही डाले क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। अभी इसमें कोथमीर डालेंगे कट करके। और ये बनाई हूँ मैंने मैगी। एज जब वीडियो में मैगी देखेगी तो बोलेगी बाजी ने अकेली बना के खा ली। और ये चटनी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे इसमें आलू में सीटी आ रही है। चना बॉईल हो चुका है और ये पोटैटो को पील करके रख दिए। और ये वड़े के बैटर में कोथमीर भी ऐड हो चुका है। चटनी को बघार लेंगे। चटनी हो चुकी है रेडी। ऑयल गरम हो रहा है। अभी इसमें अम्मी बहुत जीरा बटाटे का सालन बना रहे जो वो पकाएंगे। क्या उसमें कितने ड्रॉ में होगा? हमारी वजह से फिर हम भी करते हैं। उनको भी अच्छा लग रहा है। जल्दी से नाम भी सुन लिया। मम्मी ने इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिए। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। एक दो डांस
इसको बॉईल होने तक पकने देंगे। नमक डाल दो। नमक डाल दो। नमक अभी वो डालो नमक। डाल दो। बस इतने आटे की पूरी सालन हो चुका है रेडी। अभी वो लाने जा रही हूँ भाजी मसाला, छोले मसाला या पाव भाजी मसाला। ऑयल गरम हो चुका है, बना तो मेहंदी वड़े रहे थे इतना नरम हो गया ना, इसका मेहंदू वड़ा बना रहे थे लेकिन ये बैटर ज्यादा ही पतला हो गया, ज्यादा टाइम हो गया है रख के, अब इसलिए इसको ऐसे ही बना लेंगे, मेहंदू वड़े का शेप नहीं देंगे। यहाँ पे पूरी बेल बेल के रख रहे हैं, जब मेहंदू वड़े फ्राई हो जाएंगे तो इसी ऑयल में पूरी फ्राई कर लेंगे। ये बन चुका है और ये थोड़ा सा बचा है बस, वो नहीं आया। ये हो चुके हैं वड़े रेडी। अभी फ्राई करेंगे पूरी।
हो चुका है हमारा खाना रेडी। ये बड़ी पूरी है, ज़्यादा बड़ी बेल के बनाए, और ये है बटाटे का सालन, ये चटनी, और ये वड़े, और ये छोटी पूरी। आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।